नगर निकाय चुनाव के लिए अभी तक 1106 प्रत्याशियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन से पर्चा लिया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 1106 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है और अभी तक 13 लोगों ने नामांकन किया है। इसके अलावा मेयर पद के लिए 28 प्रत्याशियों ने फॉर्म लिया है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। उन्होंने कहा, नामांकन पर केवल 3 लोग ही आए, जो कि 17 अप्रैल तक होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह प्रत्याशी नितिन श्रीवास्तव ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ नगर निकाय गोरखपुर हूं और हमारे यहां मेयर पद के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन चल रहा है और मेंबर्स के लिए यहाँ पर हम लोग विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में हैं। यहाँ पे कुल 80 वार्ड हैं, तो कल तक लगभग 900 लोगों ने पर्चा क्रय किया था। मुझे लगता है आज भी शाम तक क्लियर हो जाएगा और कल तक मात्र 1 नामांकन प्राप्त हुआ था। मेयर पद के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ था और सभासद पद के लिए मात्र 1 नामांकन हुआ था। मुझे लग रहा है आज या कल नामांकन होंगे ज़्यादा। अभी तक लगभग कितने लोगों ने पर्चा लिया है? अभी तक लगभग 1000 लोगों ने पर्चा लिया है। आगे तक क्या तैयारियाँ? यहाँ तैयारियाँ पूर्ण हैं। मेरा अनुरोध है, जो लोग नामांकन करने आ रहे हैं तो नियमानुसार वो स्वयं, उनका प्रस्तावक और उनका एक समर्थक, मात्र 3 लोग ही नामांकन के लिए आएँ और नियमों का पालन करें। जब यहाँ पर पर्चा लेने आए हैं, क्या प्राथमिक करेंगे? मेरा वार्ड है 80 राप्ती नगर। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। क्योंकि महिला सीट होने के वजह से मैंने अपनी पत्नी का नाम प्रस्तावित किया है, प्रिया श्रीवास्तव। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्या कहते हैं, सीट जीत के आऊँ। बाकी सारी चीज़ें तो पहले से चल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो यही कह सकता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने? चुनाव जीतने के बाद सड़क, पानी, बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो यही हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्रकाश चला जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही। नितिन श्रीवास्तव, राप्ती नगर, वार्ड नंबर 80।